काशीराम आवास योजना कबाड़ हो रहे गरीबों के आशियाने, बिजली पानी की आपूर्ति न होने से 10 साल अटकी आवंटन प्रक्रिया। जलेसर रोड पर काशीराम आवास योजना फेज 3 के तहत गरीबों के लिए करीब 10 साल पहले 952 आशियाने बनाए गए थे। हैरानी की बात यह है कि अब तक इन आवासों में जलापूर्ति या विद्युत आपूर्ति न होने के कारण आवंटन नहीं हो सका। हाथरस में काशीराम आवास योजना फेज 3 के तहत गरीबों के लिए बनाए गए आशियाने फिलहाल जर्जर होते जा रहे हैं। शासन से बजट नहीं मिलने के कारण इन आवासों में पानी व विद्युत आपूर्ति नहीं की जा सकी है। ऐसे में इन आवासों का आवंटन लाभार्थियों को पिछले 10 साल से नहीं हो सका है। जलेसर रोड पर काशीराम आवास योजना फेज 3 के तहत गरीबों के लिए करीब 10 साल पहले 952 आशियाने बनाए गए थे। हैरानी की बात यह है कि अब तक इन आवासों में जलापूर्ति व विद्युत आपूर्ति न होने के कारण आवंटन नहीं हो सका। इन आवासों के निर्माण के साथ ही आवंटन की प्रक्रिया भी शुरू हुई, लेकिन आवंटन की प्रक्रिया अधर में लटक गई। अब तक इन आवासों के आवंटन प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी है। यहां तक कि इन आवासों में विद्युत आपूर्ति व जलापूर्ति न होने के कारण आवास विकास परिषद से इन भवनों को जिला प्रशासन की ओर से हैंडओवर नहीं लिया गया है। अब इन गरीबों के आशियानों पर कुछ लोगों ने कब्जे कर लिए हैं। ज्यादातर आवासों में लोगों ने ताले डाल दिए हैं। वहीं दूसरी ओर से कुछ आवासों की हालत भी जीर्ण-शीर्ण हो गई है। कुछ आवास गिरासू हालत में हो गए हैं। इन आवासों का प्लास्टर भी छूटना शुरू हो गया है। यहाँ तक आवासों में से लोहे के जंगले आदि सामानों को अज्ञात लोग निकाल कर ले गए हैं। अब इन आवासों में बिजली और पेयजल की आपूर्ति के लिए कुल 5,80,00,000 रुपए की कार्य योजना बनाकर शासन को भेजी गई है। इसमें जलापूर्ति के लिए 3,40,00,000 रुपए व विद्युत आपूर्ति के लिए 2,40,00,000 रुपए मांगे गए हैं, लेकिन अभी तक शासन की ओर से बजट जारी नहीं किया गया है। इस कारण इन आवासों को आवंटन नहीं हो सका है। शासन को इन आवासों में जलापूर्ति व विद्युत आपूर्ति दिए जाने के लिए 5,80,00,000 रुपए की कार्य योजना तैयार कर भेजी गई है। बजट मिलते ही जलापूर्ति व विद्युत आपूर्ति पर कार्य शुरू हो सकेगा। राजकुमार सिंह यादव, प्रभारी डूडा अधिकारी।